बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411084214 और 9953737799। इसकी निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत नरियावली है और ये 2-3 साल से काम लगा हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो कितनी लागत का है जी निर्माण? इसमें लगभग 4-5 लाख रुपए जनपद से और विधायक निधि से स्वीकृत किए गए थे, वो पंचायत में आ चुकी है और अभी काम पूरा नहीं हुआ। पर 3 साल होने को आ रहे हैं, खेल ग्राउंड नहीं बन पाया है, तो किसकी लापरवाही मानी इसमें? पंचायत निर्माण एजेंसी है, बार बार निवेदन किया गया है कि शीघ्र निर्माण पूरा करें, बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं। अभी सरपंच महोदय ने ये रेत वगैरह डाली हुई है जो सामने दिख रही है, कह रहे थे काम पूरा करवा देंगे। सर आप जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राउंड में कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर वॉलीबॉल के लिए नेट बना था वो भी उखाड़ कर फेंक दिया है, और आप जैसा कि देख रहे हैं ग्राउंड भी 2-3 साल से कुछ ऐसा ही पड़ा है, हम खेल नहीं पा रहे। हम लोग दूसरे विद्यालय में खेलने के लिए जाते हैं। शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी हैं। पानी की क्या समस्या आपके स्कूल में? हमारे इधर पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, कभी कभी पानी नहीं मिलता। हम लोग लंच में पानी के लिए घूमना पड़ता, कभी कभी हम बाटर लेकर आते हैं तो वो भी खाली हो जाती, तो हमारे लिए पानी नहीं मिलता, तो लंच में घर भरने के लिए जाना पड़ता। कितने सालों से आप लोग को पानी दिक्कत हो रही है? हम लोगों को 2-3 साल से सर। तो इस संबंध में आप लोगों ने किसी जनप्रतिनिधि या अपने टीचर लोग से बोला? जी सर बोलते हैं, और वो सर लोग हमारी व्यवस्था करवा रहे हैं सर। हमारे स्कूल में 3-4 साल से नल कनेक्शन नहीं है और यहाँ पर हैंडपम्प में भी पानी नहीं है, तो हम लोग 12 महीने चाहे बारिश हो चाहे ठंड हो टैंकर से बुला के बच्चों को पानी पिलवा रहे हैं। टैंकर क्या अपने पैसों का बयान करते हैं कि सरकारी पैसे खर्च करते हैं? वो तो विद्यालय के पैसे से बनवाते हैं जी। तो इस संबंध में सरपंच या और जनप्रतिनिधि से बात नहीं हुई पानी की? सरपंच साहब से कई बार निवेदन किया है कनेक्शन लगवा दे, तो उन्हें अभी कनेक्शन तो लगवा दिया है। माननीय SDM साहब ने भी आदेश दिया था जी, कनेक्शन लग गया मगर उसमें पानी नहीं आ रहा है, ऐसी पड़ा हुआ है। तो पानी की समस्या से कितना बच्चों पे प्रभाव पड़ता है पढ़ाई पे? पानी से तो समस्या पैदा होती है, बच्चे भी है और टीचर्स भी है। हमारे ये संकुल केंद्र है जिसमें टीचर्स भी आते हैं, उनको भी पानी की समस्या है जी। बाकी टैंकर से सबको पानी पिलवा रहे हैं सर।